आइए सीधा आपको संत कबीर नगर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। किसानों को बिजली का बिल नहीं बढ़ना है, बिजली का। हमारे मेरे युवा इतने नारे लगाते हैं ना, जो भी युवा शिक्षा में जाएगा उसको लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल फोन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। मेरी माताएं बेटी है, बच्चियां पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, बच्चियां जो गरीब की बच्चियां उच्च शिक्षा में जाएगी उसको मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। स्कूटी लेकर वो कॉलेज तो जाएगी, बाद में माता जी आपको पीछे बिठाकर सब्जी लेने भी ले जाएगी। ये भाइयों बहनों, 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल तक अंधेरा था। बिजली का एक वायर भी नहीं लगा। 70 साल 1,41,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं वृंदावन वालों, जब भी आपके घर में सपा बसपा के शासन में ये बिजली रानी 24 घंटा आती थी क्या? जरा जोर से बोलो, आती थी रानी, आती थी क्या? योगी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने गांव में 20 से 24 घंटा बिजली भेजने का काम किया है। मित्रों, 20 से 24 एक जमाना था ताजिया होता था तो 24 घंटा बिजली आती थी, रमजान होता था 24 घंटा बिजली आती थी। पर हमारे चौधरी साहब आए मथुरा से, कृष्ण जन्माष्टमी होती थी 24 घंटा बिजली नहीं आती थी। दीपावली में आती थी क्या? होली में आती थी क्या? ये समाजवादी पार्टी ने बिजली का भी धर्म तय कर दिया था। हमने सभी त्योहारों में बिजली को 24 घंटा बिजली का काम ये भारतीय जनता पार्टी किया। हर गरीब के घर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भेजने का काम नरेंद्र मोदी। एक जमाना था जब गरीब के घर में बड़ी बीमारी आ जाए, किसी को लकवा हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, दिल का दौरा हो जाए, कुछ भी हो, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, तो बेटा अपने बूढ़े बाप को अस्पताल को ले जाता था। 2-4 दिन टेस्ट करने के बाद जब फिर बताया जाता था, बाप कहता था बेटा घर पे ले चल, मैं तो मरूंगा रोग से बीमारी से, मेरे पीछे पूरा परिवार दूर के चले जब कर मर जाएगा। और बेटा आंख में आंसू के साथ अपने गरीब बाप को मरता हुआ देखते हुए घर पे ले आता। मोदी जी ने हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया, जिसमें 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। ये चिंता वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति गरीबी को जानता है। मोदी जी एक चाय बेचने वाले के घर पर पैदा होकर देश का प्रधानमंत्री बनने वाला गरीबों का प्रतिनिधि है। माताओं भाइयों बहनों, गरीबों का अखिलेश बाबू गर्मी होते ही विचलित हो जाते हैं, पूरे परिवार के साथ चार्टर लेकर लंदन चले जाते हैं। वो आपका भला कर सकते हैं? आप लोगों ने टीका लिया या नहीं लिया भाई बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो, कितने लोगों ने लिया हाथ ऊपर करो, सबने लिया है ना टीका? जब भूल लिया मोदी जी ने ट्वीट किया कि वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया कि आपने देश की जनता को बचा दिया। और अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि मोदी टीका है मत लीजियो वरना फंस जाओगे।
10 दिन के बाद अंधेरे में खुद ही जाकर डर कर टीका लगाए 10 दिन। अच्छा हुआ आप उनका नहीं मानते हो, टीका लगा दिया, वरना तीसरी लहर में बचते क्या? जरा जोर से बोले, बचते क्या, बचते क्या? जो लोग इस प्रकार की बातों में भी राजनीति करते हैं वो देश का भला नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगा, गरीबी की रोजगारी बंद हो गई, उनके मन में चिंता थी गरीब खाएगा क्या, रेड़ी पटरी वाला, मजदूर, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बाहर ढोने वाला क्या खाएगा। उन्होंने 2 साल तक हर गरीब को प्रति महीना प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी और योगी जी ने इसके साथ तेल, दलहन और नमक देकर अन्न से भरी थाली को पूरी करने का काम योगी आदित्यनाथ जो जिसके मन में गरीबों के लिए संवेदना है वो ही उत्तर प्रदेश में शासन करना चाहिए। क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। मित्रों, अब तक पूर्वांचल की अनदेखी की जाती थी, पूरे पूर्वांचल को विकसित करने के लिए ढेर सारी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनाया है जिससे हमारे जिले को भी फायदा होने वाला है, संत कबीर नगर को भी फायदा हो। संत कबीर नगर में मेडिकल कॉलेज बनाई गई, अब पिछड़े और दलितों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज में आपका मुफ्त इलाज होगा। आजम खान जैसे लोगों को जेल में डालने के लिए कारागार भी बनाया गया, नए बस स्टैंड बनाए गए, 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज तीनों संत कबीर नगर में चालू करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ पर ढेर सारा विकास का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के जो काम किए हैं उसको अभी भी एक और 5 साल चालू रखना है। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा सूबा, देश में सबसे ज्यादा आबादी, फिर भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को इस सपा बसपा 9वें नंबर पर छोड़कर आए थे योगी जी ने 5 ही साल में उसको 2रे नंबर पर पहुंचाने का काम किया। ताली मत बजाओ पैदावर वालों, 2रा नंबर भी अच्छा नहीं है, एक मौका भाजपा को फिर से दे दो, हम 2 ही साल में नंबर 1 पर पहुंचाएंगे। मित्रों, नंबर 1 मुझे बताओ, माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, अन्न से भरी थाली पर, भोजन से भरी थाली पर उंगली दबाकर वोट हमारे त्रिपाठी भाई को दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ हाथ उठाइए, 300 पार का संकल्प लीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता।